So I mean, if you see it in-depthly, then you'll understand what I'm trying to say. And this lady has done an extremely good job. And unfortunately, this has not been put up for exhibition elsewhere. So the museum always takes it into its stride to see that such inscriptions from people who are unknown, who are talented, they should be brought out so that people understand, they see. And if this exhibition was put up somewhere in the Middle East, probably, you know, they would have totally been bowled over. Because, you know, the most commendable part about India is that we have people who can compete with anyone in the whole world. And I must congratulate this lady here, you know, for her good work. And I request her to continue doing it. Incidentally, she has taken these out everywhere. And she's made an exhibition. But you see, I was just telling her a little while ago that putting this up in the museum is like putting up on an international map in our museum. I must say, Salarjung Museum has that unique quality of promoting such artists. And you know, this hall, as Dr. Reddy just told me, that we'll continue to make exhibitions year and after. I think every few couple of months, you know, there'll be a different exhibition altogether. Assalamu alaikum. मैं शमीम कुरैशी बॉम्बे से. कैलीग्राफी मेरा शौक है. पेंटिंग बनाना मैं कमर्शियल आर्ट की हूँ और आर्ट एंड ड्राइंग टीचर 95 से मैं ये करती आ रही हूँ और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये मेरी शौक बढ़ता जा रहा है. मेरा ईरान से शुरुआत हुई. ईरान इंटरनेशनल कुरान एग्जीबिशन गई पहली बार. उसके बाद अल्जीरिया, जिद्दा और इजिप्ट. मेरी 4 पेंटिंग्स 4 टुकड़े मेरे बेल्जियम म्यूज़ियम के लिए सिलेक्ट हुए जो वर्ल्ड के 10 म्यूज़ियम में लगेंगे. 4 म्यूज़ियम में लग चुके. कोरोना के बाद से थोड़ा रुक गया वो. अब दूसरे मुल्कों में शुरुआत होने वाली है वापस से और फिर वो बेल्जियम म्यूज़ियम में मेरा वर्क रखा जाएगा. और मेरे लिए आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे मुल्क में, हिंदुस्तान में मेरा काम लगा और वो भी सालारजंग म्यूज़ियम में. मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है. मैं शुक्रिया अदा करूँगी जाहिद अली ख़ान साहब का सियासत, जिन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आओ, यहाँ लगाओ. और जहीद अली ख़ान साहब ने मेरे लिए बहुत, उन्होंने मेरी हेल्प की. मैं 2 बार हैदराबाद आई, दोनों बार उन लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा यानी मेरा वेलकम किया. रेड्डी साहब, यहाँ के डायरेक्टर सालारजंग के, मेरी 3 साल से वेट किया इन्होंने. 3 साल मुझे, मैंने यही कहा मैं अब आ रही हूँ, लेकिन रेड्डी साहब ने यही कहा जब भी आप आओ वेलकम है, जब आप चाहो. और ये जो जगह है उन्होंने मुझे बता दी थी कि जब आप चाहो आप हमको 15 दिन पहले, 8 दिन पहले बता दो. और उन्होंने वैसे ही किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा शोकेस और बनाया उन्होंने. और आज का जो प्रोग्राम हुआ वो तो बहुत ही अच्छा है. मेरे लिए ये आज बहुत यादगार दिन है और मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करूँगी कि उसने मुझे बहुत अच्छा हुनर दिया. ये जो पुरानी फ़ोटोज़ देख के, कुतुब मीनार और ये जो लिखा हुआ देख के, तो वो बिल्कुल यूनिक. मुझे लोगों ने भी कहा कि कुछ अलग करो जो एंटिक दिखे, तो वो एंटिक में ही हो गया मेरा काम. मैं 95 से कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी जी, मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह.